गुड इवनिंग एवरीवन। पिछले क्लास स्टेनोग्राफर का हम संडे को सॉल्यूशन दे रहे थे, तो कुछ क्वेश्चन हम किए थे। आप लोग हेल्प करेंगे कि हम कहाँ तक बताए थे। शायद यहाँ तक लगता हम पढ़ा चुके हैं। PQRS ही आपका बचा हुआ था। चलिए जल्दी से जुड़ेंगे अपना अपना। चलिए डिम्पल, रवि रंजन, उदय गोप, जय गुरुदेव, चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान देंगे, स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम 35 क्वेश्चन तक किए थे, तो आज उससे आगे हम चलेंगे। चलिए ध्यान देते हैं। क्वेश्चन क्या होगा उस पर हम विचार करेंगे और बनाएंगे भी हम, ठीक है। चलिए दिखेगा लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट। देखो APQRS से आप आराम से बना सकते हैं, PQRS से आप आराम से बना सकते हैं भी। चलो ध्यान देंगे, लिखा हुआ लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट। अब आगे हम देखेंगे इसका ऑप्शन, इसका ऑप्शन दिया नहीं गया। किसी में ऑप्शन आया ही नहीं। अच्छा ये ऑप्शन आइडियम फ्रेज है। चलिए ठीक है, आइडियम फ्रेज है। चलिए ध्यान देंगे, लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट सारांश होता है। आइडियम फ्रेज पूछा जा रहा, लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट माने होते हैं सारांश, समरी। जब सारांश होता है तो इसका मतलब समरी ऑफ द मैटर होगा। समरी ऑफ द मैटर कौन सा यूज करेंगे? समरी ऑफ द मैटर, द समर ऑफ द मैटर हो जाएगा। सारांश होते लॉन्ग एंड शॉर्ट, लंबा शॉर्ट कर दिया तो सारांश बोलेंगे उसे। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्ले हैवॉक, प्ले हैवॉक माने होते विनाश करना। प्ले हैवॉक माने होते विनाश करना, ध्यान देना। प्ले हैवॉक मीन्स होते विनाश करना। क्या बोलेंगे? विनाश करना। वर्सन द सिचुएशन होगा, वर्सन द सिचुएशन, वर्सन द सिचुएशन। प्ले हैवॉक विनाश करना क्या कहलाएगा? वर्सन द सिचुएशन, विनाश करना। नेक्स्ट, टॉल ऑर्डर क्या लिखा हुआ? टॉल ऑर्डर, टॉल ऑर्डर डिफिकल्ट डिमांड होते हैं, कठिन मांग होता है। टॉल ऑर्डर कठिन मांग, टॉल ऑर्डर डिफिकल्ट डिमांड होता है। डिफिकल्ट डिमांड, टॉल ऑर्डर कठिन मांग। नेक्स्ट, एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू लिखा हुआ, एक्सप्लोर, एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू,
एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, इसका मतलब होता है हर संभव प्रयास करना, हर संभव प्रयास करना। लुक फॉर एवरी पॉसिबल मीन्स होते हैं हर संभव प्रयास करना, हर संभव प्रयास करना। एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू मैंने होते हर संभव कोशिश करना या हर संभव प्रयास करना। टू लुक फॉर एवरी पॉसिबल मीन्स होते हैं हर संभव प्रयास करना। हर संभव यानी एड़ी चोटी एक कर देना, एड़ी चोटी एक कर देना, एड़ी चोटी एक कर देना। लुक फॉर एवरी पॉसिबल मीन्स होते हैं। नेक्स्ट, चलो इसमें देखेंगे क्या इसका आएगा। लिखा इन द सेम वॉच, इन द सेम वॉच, समान परिस्थिति में होना, एक ही मुसीबत में होना, समान परिस्थिति में होना। इन द सेम वॉच, इन द सेम वॉच, समान परिस्थिति में होना या एक ही मुसीबत में होना। इन द सेम वॉच होता है अर्थात हम बोल सकते हैं हैविंग द सेम प्रॉब्लम एज द अदर्स, हैविंग द सेम प्रॉब्लम्स, हैविंग द सेम प्रॉब्लम्स होगा, हैविंग द सेम प्रॉब्लम एज ऑफ अदर्स। एक ही समस्या में होना, समान समस्या में होना। इन द सेम बोट होते हैं, बोट टाइटेनिक जहाज डूबा था पता होगा, सब एक ही नाव में कूद गया, सब एक ही नाव में रहा, इसका मतलब सब समान एक ही परिस्थिति को झेला। चलिए PQRS छोटा छोटा है, आसानी से बना सकते हैं इसको, पहले समझ लेंगे कहां कहां क्या होगा। PQRS चलिए ध्यान देंगे, इसे ध्यान देंगे और बनाएंगे भी इसको, क्या आएगा इसका। द एक्सट्रीम, ध्यान देना क्वेश्चन पर, द एक्सट्रीम। पहले हमें सही, जब भी PQRS बनाना या सीखना हो तो सही मत बनाइए, गलती चूज करिए आप, गलत को चूज करेंगे। इन द आर्टिकल लास्ट में नहीं हो सकता है, आर लास्ट में नहीं हो सकता, यानी क्यू विकल्प लास्ट नहीं जाना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर एक नहीं हो सकता है, ना ही ऑप्शन सी हो सकता है, ना ही ए हो सकता है, ना ही ऑप्शन सी हो सकता है। इसलिए कि द आर्टिकल कभी लास्ट में नहीं होगा, द आर्टिकल भाई जब भी होगा तो नाउन के साथ होना चाहिए, तो क्यू लास्ट में नहीं होगा, क्लियर। आर लास्ट में नहीं होगा तो आर भी खत्म हो गया। अब बोलो कौन बचा, हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप ही बोलिए। तब बिल्कुल सही भाई, डी आंसर होगा। द एक्सट्रीम्स ऑफ पॉवर्टी, अत्यंत गरीबी, आर ए हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय अखंडता में बाधा डालता, क्लियर। लास्ट में आर्टिकल नहीं होगा इसलिए हम क्यू ऑप्शन लास्ट में नहीं हो सकता, ए और सी हटा दिए। लास्ट में आर नहीं हो सकता है, यानी ऑप्शन आर लास्ट नहीं हो सकता है, तो जो बच गया हमारा आंसर हो गया आर क्यू पी। सही मत बनाना, सिर्फ इसमें हमें ये चूज करेंगे कि गलती कौन सा है, कौन सा गलत है, ये हमें चूज करना है केवल। चलिए आगे, नेक्स्ट, वेगर इकोनॉमिक्स। इसमें देखिए लास्ट हमें ढूंढना पड़ेगा कि कौन नहीं होगा, स्टार्टर कौन होगा, ये सारे चीज पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। लिखा वेगर इकोनॉमिक्स, ये तो सब्जेक्ट लग रहा है, वेगर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है भाई तो वर्ब होना चाहिए डायरेक्ट, तो क्यू से स्टार्टर होना चाहिए। ग्रो आपका वर्ब है तो क्यू से स्टार्टर होगा, जब Q से स्टार्टर होगा तो हमारे पास विकल्प B नहीं हो सकता है, ना ही C हो सकता है, ना ही B होगा और ना ही C होगा, यानी स्टार्टर हर हाल में हमारे पास Q विकल्प है, Q स्टार्टर होगा। तो वेगर इकोनॉमिक्स, अब देखो हर कोई कहेगा कि सर P ऑप्शन लास्ट नहीं होना चाहिए,
क्योंकि हैव के बाद कुछ नाउन या वी थ्री चाहिए, इसलिए पी लास्ट में नहीं होगा। जब पी लास्ट में नहीं होगा तो ऑप्शन डी नहीं हो सकता है, जब डी नहीं होगा तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। एक राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर, एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। वन इज द राइट आंसर, क्यू पी आर। बड़े आगे देखो फिर से, बेगर इकोनॉमिक्स, बेगर इकोनॉमिक्स जो है बढ़िया से अर्थव्यवस्था, ग्रो सब्जेक्ट है तो वर्ब चाहिए, ग्रो आपका वर्ब है, यहां तक तो ठीक है आपका। जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो रहा है तो स्टार्टर क्यू हमारे पास दो दो विकल्प था, सी और बी तो खत्म हुआ। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ एंड के बाद हैव लिखा हुआ था और हैव के बाद कंफर्म कुछ नाउन या फिर थ्री चाहिए, अंतिम पी नहीं होगा। जब अंतिम पी नहीं होगा भाई तो डी कैसे होगा, एक नहीं आएगा। नेक्स्ट, इसमें बनाएंगे हम क्या इसका आंसर आएगा, फटाफट जल्दी से बनाइए क्या इसका आंसर आप लोग लाएंगे। चलिए फटाफट इसका आंसर बनाएंगे। पहले देखो हमें सही नहीं चाहिए भाई, हमें गलत चाहिए विकल्प, सही नहीं हमें बल्कि गलत विकल्प चाहिए। तो एजुकेशन इज ऑफ, अब देखो हमें क्या बनाना है कि गलती होगा, ऑफ एजुकेशन इज ऑफ, पता नहीं क्या आएगा ऑफ के बाद, हमें भी पता नहीं क्या आएगा, लेकिन इतना तो कंफर्म भाई कि ऑफ के बाद हमें नाउन ही चाहिए या वी फोर चाहिए, जो कुछ होना चाहिए। एटमोस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ, ये तो कंफर्म बोलेंगे कि सर पी ऑप्शन लास्ट नहीं, हालांकि पी लास्ट दिया भी नहीं। इराडिकेटिंग द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री, अच्छा एक वर्ड पकड़ में आया कि अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम होना चाहिए, शायद आपको भी पता होगा बेरोजगारी समस्या, बेरोजगारी समस्या, द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री, देश की बेरोजगारी समस्या। द अनएम्प्लॉयमेंट जो लिखा हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट के बाद प्रॉब्लम होना अनिवार्य है, क्यू के बाद आर होना अति आवश्यक है, क्यू के बाद आर होना अति आवश्यक है हमारा, क्यू आर यानी बेरोजगारी समस्या। तब ढूंढिए हमारा क्यू आर कहाँ मिल रहा, अब हमें ढूंढना पड़ेगा कि क्यू आर कहाँ है। तो ऑप्शन एक में नहीं दिख रहा, ऑप्शन सी नहीं दिख रहा, ऑप्शन क्यू आर बी नहीं दिख रहा, यानी ऑप्शन हर हाल में डी होगा, क्योंकि इसी में हमें क्यू आर केवल दिख रहा। क्लियर, क्लियर हो गया स्पष्ट। चलिए आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द होमियोजेनेटी एंड एनफोर्स्ड इज परपेचुएटेड बाय एजुकेशन, देखो इसमें सरल तरीका से बना दो बन जाएगा, देखो कैसे बनेगा। 44 नंबर, द होमियोजेनेटी एंड रेनफोर्स्ड इज परपेचुएटेड बाय एजुकेशन, तो आपको लग रहा होगा इस चीज में कि यहां बाय एजुकेशन आपको दिख रहा होगा, बाई एजुकेशन दिख रहा होगा, बाई एजुकेशन जब हमें दिख रहा है तब तो कन्फर्म है भाई बाई एजुकेशन, ये तो पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस में हम बाई प्लस नाउन लगाते हैं, बाई प्लस नाउन हम लास्ट पैसिव वॉइस में लगाते हैं, यानी आर विकल्प हर हाल में लास्ट होना चाहिए, आर विकल्प लास्ट होने के लिए हमारे पास केवल और केवल बी ऑप्शन है। क्या कोई आपत्ति, चलो जल्दी से। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा,
बी आंसर होगा बाई प्लस नाउन जो होते हैं लास्ट में यूज किए जाते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेप्टेंस ऑफ टाइपिकली वेरी हाई इन द, अब देखो इसमें हम क्या बनाएंगे, लास्ट ऑप्शन द नहीं होना चाहिए, यानी पी विकल्प लास्ट नहीं देगा, पी लास्ट नहीं होना चाहिए इसलिए कि द अटकी लगा हुआ है, तब पी ढूंढेंगे किसके लास्ट में है, डी नहीं हो सकता है, डी नहीं हो सकता इसलिए कि पी लास्ट में है इसलिए डी नहीं होगा। अब जो बचा हम उस पर ध्यान लगाएंगे। अच्छा एक और बात इसमें देखने को मिल रहा होगा कि आपको आर में फुल स्टॉप लगा हुआ है, देख लो ऑप्शन, पर्सनल डेवलपमेंट दिख रहा होगा आपको, आर में जब फुल स्टॉप लगा हुआ तब तो और स्पष्ट हो गया भाई कि आर विकल्प लास्ट होना चाहिए, तब तो ऑप्शन और भी नहीं होगा। अब जो बचा उसी पर ध्यान देंगे, आर कंफर्म है कि लास्ट अब हो गया, वह स्टार्टर पी होगा या क्यू होगा, द एक्सेप्टेंस ऑफ ई लर्निंग सिस्टम को एक्सेप्टेंस करना स्वीकारना एज, तो एज के बाद बी फॉर्म के बाद एडजेक्टिव होता है, तो क्यू से स्टार्टर होगा ना कि पी से होगा, क्यू से स्टार्टर होगा, सब्जेक्ट द एक्सेप्टेंस ऑफ ई लर्निंग, चूंकि ऑफ प्रीपोजिशन, अब प्रीपोजिशन के बाद एडवर्ब नहीं आता है, यानी पी स्टार्टर नहीं होगा, क्यू स्टार्टर होगा, क्लियर। नेक्स्ट क्या दिया भाई, एक्टिव पैसिव, सरल तरीके से बनाएंगे तो ये भी बन जाएगा हमसे। बनाइए इसको, देखो एक्टिव पैसिव पूछ रहा है तो आसानी से हम केवल वर्ब पर जाएंगे और बनेगा। केवल वर्ब पर जाएंगे तो जरूर एक्टिव पैसिव आपका बनेगा। जैसे देखो क्या लिखा हुआ, विल फिनिश लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, विल फिनिश, जब विल फिनिश है तो कन्फर्म है कि विल भी होना चाहिए, विल फिनिश है तो कन्फर्म है कि विल भी होना चाहिए, विल भी प्लस वी थ्री ढूंढिए किसमें लिखा हुआ, ढूंढिए और ऑप्शन बनाइए। बन गया, देखो द स्टूडेंट्स विल फिनिश लिखा होता, विल बी फिनिश्ड होना चाहिए, विल बी फिनिश्ड, यानी ऑप्शन आपका विल बी फिनिश्ड, विल बी फिनिश्ड, विल बी फिनिश्ड, विल बी फिनिश्ड, सब में लिख दिया है, तब तो यहां आंसर होना चाहिए द असाइनमेंट सब्जेक्ट बनेगा, द असाइनमेंट सब्जेक्ट बना, द असाइनमेंट will be finished by the students next month, आंसर एक होगा, आंसर एक होगा। अब आपको लग रहा होगा कि सर बी ऑप्शन क्यों नहीं हुआ, शायद आप भूल रहे होंगे कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय समय सूचक और स्थान सूचक यानी टाइम और प्लेस वाक्य के अंत में या वाक्य के शुरू में लिखा जाता है, चाहे वो सेंटेंस एक्टिव हो या पैसिव। नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक टाइम सूचक है और टाइम और प्लेस किसी सेंटेंस के अंत में या शुरू में लिखा जाता है, चाहे वो सेंटेंस एक्टिव हो या पैसिव, तो सी भी आंसर सही होता, लेकिन बाय द स्टूडेंट्स को हटा दिया, इसमें तो टाइम ही हटा दिया, तो आंसर एक होगा आपका। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट चलिए इसमें
जल्दी से फटाफट देखिए फटाफट। चलो वाह, हमसे पहले आंसर आप लोग दे रहे हैं। लो रणधीर कुमार को पता नहीं कि कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है भाई, स्टेनोग्राफर का सेट सॉल्यूशन करा रहा हूं। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, द फर कोट्स, कुछ नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट वर्ब पर आइए। वर इम्पोर्टेड लिखा हुआ, वर इम्पोर्टेड, जब वर इम्पोर्टेड लिखा हुआ है तो कन्फर्म हम बोल सकते हैं कि बी फॉर्म के बाद वी थ्री यानी पैसिव बना हुआ है। जब पैसिव बना हुआ है तो केवल वी टू चाहिए हमें, ऑप्शन ढूंढिए। वी टू ऑप्शन एक, ऑप्शन नंबर बी, बी तो गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन वी इम्पोर्टेड द फर कोट फ्रॉम लंदन, डी ऑप्शन तो हो नहीं सकता है चूंकि हेड लगा दिया, डी हटा दो, बी हटा दो, अब ऑप्शन एक बचा, फ्रॉम प्रीपोजिशन के बाद यानी बाईस लगा हुआ भाई, तो बाईस से तो बी ने सब्जेक्ट होगा, तो सी राइट आंसर आएगा, सी इज द राइट आंसर। अगला नेक्स्ट बढ़े आगे, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लावर वाज क्लीन्ड, फ्लावर वाज, यहां देखो यहां क्या लिखा हो, वाज क्लीन, यानी ये कंफर्म है कि ये पैसिव बना हुआ है, पैसिव बना हुआ भाई, जब पैसिव बना हुआ है तो हमें एक्टिव बनाना है, क्लीन्ड भी थ्री है तो भी टू होना चाहिए ऑप्शन। तो पैसिव हुआ इसमें समवन को हम हटा सकते हैं तो लगा भी तो सकते हैं, तो डी आंसर होगा, समवन क्लीन द फ्लोर हो जाएगा, समवन क्लीन द फ्लोर हो जाएगा, यानी आंसर डी होगा। इसमें किसी की सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं आप, यदि किन्हीं को इसमें प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अमीषा भारती डी आंसर, अरुण कुमार डी, चलिए और धीरज ए आंसर, गुरिया कुमारी बी, रश्मि कुमारी डी, सक्सेस की पावर डी। द कैसे आया सर, किसमें बता रहे हैं कि द कैसे है, अरे भाई फ्लर के पहले वहां द जो लिखा हुआ मिस प्रिंटिंग है, द लगा दिया है। चलिए अमित ऋतिक भूषण, चलिए अच्छी बात है। चलो द फ्लर वाज क्लीन, सतह को साफ किया गया, तो यहां द फ्लर होना चाहिए, नहीं लिखा गया, मिस प्रिंटिंग टाइपिंग, द फ्लर यहां लिखा, समवन क्लीन द फ्लर। चलिए बढ़े आगे, प्रभाकर कुमार, चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन 49 फटाफट इसका जवाब देंगे आप लोग। गर्ल्स हैव टेकन इंटरव्यूज टू वैलिडेट द क्लेम, अब देखो हैव टेकन लगाओ, जब भाई हैव टेकन है तो हैज बीन या हैव बीन होना चाहिए, तो हैज बीन हैव बीन होने के लिए हमारे पास विकल्प एक नहीं है, चूंकि यहां आर लगा दिया, बी ऑप्शन में हैव बीन लिखा हुआ, सी ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ, डी ऑप्शन में भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब हमारा राइट आंसर आपका बी होना चाहिए, बी इज द राइट आंसर होगा। चलिए ठीक है, फिफ्टी अमन विल रीड, देखो भाई विल रीड है तो इसमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग देखते ही आंसर बनाइए, देखते ही आंसर बनाइए, हमें बताना अब नहीं पड़े, वेल रीड है तो कंफर्म है कि आप आंसर बना सकते हैं, जल्दी फटाफट। गुरिया कुमार एक आंसर, अमीषा भारती, धीरज, चलिए ठीक, वीना कुमारी ए आंसर, गुरिया कुमारी, प्रभाकर कुमार, रश्मि कुमारी,
बिल्कुल सबका आंसर आ रहा है ये ऑप्शन। द मैन विल रीड हिज स्क्रिप्ट एट द बिल है तो बिल भी नहीं आएगा। तो आंसर आप लोग जो ए आंसर बना रहे हो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर एक होगा। नेक्स्ट चलिए ठीक है आप लोग का। अब देखना अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, वॉचिंग माई डॉटर डांस रिमाइंड्स मी ऑफ माई डांसिंग डेज। अब बोलिए कह रहा वॉचिंग माई डॉटर डांस रिमाइंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से फटाफट। चलिए पप्पू कुमार डी, भूषण कुमार डी, रश्मि कुमार डी, वीरेंद्र ए आंसर। देखिए क्या आएगा, वॉचिंग माई डॉटर डांस रिमाइंड्स मी ऑफ माई डांसिंग डेज। देखिए क्या आंसर आएगा भाई, अब इसमें देखना पड़ेगा क्या रिमाइंड्स वर्ब है। जब रिमाइंड्स वर्ब है तब मी ऑब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है तो आई को सब्जेक्ट बनाइए। जब आई को सब्जेक्ट बनाएंगे तब हमें विकल्प देखना पड़ेगा कौन सा आएगा। जल्दी फटाफट चलिए रिमाइंड्स आपका वी फाइव है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक है। जब सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक हो रहा है तो कंफर्म ऑप्शन ए नहीं आएगा। ठीक है अब ऑप्शन बी देखना है, माई डांसिंग डॉटर रिमाइंड्स मी, बी ऑप्शन तो पैसिव बनाया ही नहीं है। सी ऑप्शन माई डांसिंग डेज आर, माई डांसिंग डेज आर ये तो और गलती कर दिया, पैसिव बना हुआ नहीं, यानी डी राइट आंसर होगा। आई एम रिमाइंडेड टू, लेकिन गलती इसमें क्या है, टू माई डांसिंग डेज बाय वॉचिंग माई डॉटर। इसमें गलती क्या है, क्या टू नहीं ऑफ लिखा हुआ है, सुधारना पड़ेगा, यहाँ ऑफ लिखा हुआ है। डी आंसर आएगा, बिल्कुल डी ही आंसर आएगा। चलिए बहुत अच्छा डी आंसर आएगा। नेक्स्ट अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप लोग फटाफट। सान सिंग्स ए मेलोडियस सॉन्ग, सान सिंग्स तो सिंग्स आपका है वी फाइव, जब वी फाइव है तो भाई इजे मार होना चाहिए। मेलोडियस सॉन्ग लिखा हुआ तो सिंगुलर है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो बाज नहीं आएगा, बाज नहीं आएगा, इजे मार होना चाहिए। यानी ऑप्शन ऐसे ही आपका सी हो जाएगा। जैसे ही सिंपल प्रेजेंट टेंस की जब बात हो गया भाई तो इजे मार होना चाहिए। नेक्स्ट चलिए अगला 53। द जर्मन्स वर एक्सपेक्टेड टू विन द इंटरनेशनल ट्रॉफी, द जर्मन्स वर एक्सपेक्टेड टू विन। अब यहां देखो लिखा वर एक्सपेक्टेड दिख रहा होगा, तब तो कंफर्म है कि इसका पैसिव हम बनाएंगे इसका एट इज एक्सपेक्टेड या एट वाज एक्सपेक्टेड से, या फिर बोलेंगे टू प्लस वी वन है तो इसका पैसिव बनेगा टू वी प्लस वी थ्री, टू वी प्लस वी थ्री से इसका पैसिव बनाएंगे। तो ऑप्शन पहले छाट लो, इट वाज एक्सपेक्टेड दैट द जर्मन शुड विन द इंटरनेशनल ट्रॉफी। ऐसे तो इसका आंसर हम एक भी बना सकते हैं और दो भी बना सकते हैं, लेकिन तीन आंसर ऐसे भी गलत है कि पास्ट टेंस है तो ये पास्ट नहीं हो, इसलिए सी गलत है। और डे नंबर एट वाज एक्सपेक्टेड बाय द जर्मन्स दैट दे वुड विन द इंटरनेशनल ट्रॉफी, तो गायब हो गया पूरा। आंसर एक और दो बच गया,
The Germans were expected to win the international trophy. तो ध्यान देना इस सेंटेंस में, इसे थोड़ा सिखाना पड़ेगा, सिखा देते एक बार, वक्त लगेगा. दो मिनट ध्यान दीजिए, हम सिखाते हैं इसको. चलिए ध्यान दीजिए, हम सिखाते हैं. ध्यान देंगे. देखो डबल सेंटेंस का पैसिव वॉइस और कुछ है नहीं यार. दरअसल हम लोग पहले ये सीख लेते हैं, पीपल एक्सपेक्टेड दैट द जर्मन्स वुड विन द इंटरनेशनल ट्रॉफी. इंटरनेशनल ट्रॉफी सीखने लायक क्वेश्चन था ये. एक्टिव पैसिव का डबल सेंटेंस का जो क्वेश्चन आता है वही टफ होता है मेरे एग्जाम में. द पीपल एक्सपेक्टेड दैट द जर्मन्स वुड विन द इंटरनेशनल ट्रॉफी. देखना तो लोग एक्सपेक्ट किए कि द जर्मन्स वुड विन द इंटरनेशनल ट्रॉफी. अब बोलेंगे सर वुड का सब है, एक्सपेक्ट के बाद फ्यूचर टाइम होता है, तो फास्ट इन पास्ट ले लिए. अब इसका पहला विधि हम पैसिव बनाएंगे. फर्स्ट मेथड डबल सेंटेंस का पहला विधि, इट वाज एक्सपेक्टेड दैट द जर्मन्स वुड विन द इंटरनेशनल ट्रॉफी. इंटरनेशनल ट्रॉफी पहला विधि हो गया. दूसरा विधि सेकेंड मेथड. सेकेंड मेथड में क्या नियम आता है कि डैट के बाद जो सब्जेक्ट दिख रहा है उसे हम सब्जेक्ट मानेंगे. दूसरा विधि में डैट के बाद जो सब्जेक्ट आपको दिख रहा है इसी को हमें शुरू में लाना पड़ता है. यानी लिखेंगे द जर्मन्स, पास्ट टेंस से हम वर लगाएंगे, एक्सपेक्टेड डैट नहीं, अब डेट नहीं लगेगा, टू लगेगा, टू डेट के स्थान पर टू लगेगा. जर्मन्स तो आगे हो गया, वुड लगेगा नहीं, टू प्लस वी वन आएगा. विन द इंटरनेशनल ट्रॉफी, पीछे इंटरनेशनल ट्रॉफी लिख लेंगे. तो ये हमारा दूसरा विधि हुआ, ये इसका एक्टिव पैसिव का ये दूसरा विधि हुआ. यहां तक समझ में आ गया? तो ये आपका क्वेश्चन दिया गया, ये एग्जामिनर जो पूछा है क्वेश्चन करके पूछा है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ऑप्शन ये मिल रहा है. ये ऑप्शन ये हम अपने मन से बनाया, मतलब इसका चार प्रकार से पैसिव बनता है. वीवीआई क्वेश्चन होता है, हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है डबल सेंटेंस का पैसिव वॉइस. पीपल एक्सपेक्टेड दैट द जर्मन्स वुड विन द इंटरनेशनल ट्रॉफी, या फिर लिखेंगे It was expected that the Germans would win the international trophy. ये पहला विधि पैसिव हुआ. दूसरा विधि इसका पैसिव होता है कि the Germans को हम आगे लिखेंगे. The Germans were expected to win the international trophy. ये दो विधि हुआ. ठीक है, अब अगला देखेंगे. इसका तीसरा विधि है, तीसरा विधि देखिए, थर्ड मेथड. तीसरा लिख सकते हैं इस सेंटेंस को, उधर भी हम पैसिव बना सकते हैं, उधर का भी पैसिव बना सकते हैं. लिखेंगे इट वाज एक्सपेक्टेड दैट
अब इस सेंटेंस जो उसको भी हम पैसिव बना सकते हैं, ये तो इतना ही पैसिव हुआ, इसको मिटाते नहीं तो फिर नहीं हट पाएगा। चलिए देखिए तीसरा विधि थर्ड मेथड, इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट। अब इधर देखो सब्जेक्ट है, वर्ब है या ऑब्जेक्ट है, तब हम पैसिव बना सकते हैं। इधर दैट द इंटरनेशनल ट्रॉफी, आधा लिखते हैं, आ नहीं पाएगा इसलिए आधे लिख के छोड़ते हैं। द इंटरनेशनल ट्रॉफी, मान लेना ट्रॉफी या इंटरनेशनल लिखा हुआ, ट्रॉफी वुड बीन है तो वुड बी हो जाएगा, वुड बी वॉन बाय द जर्मन्स, द जर्मन्स। ये हुआ इसका तीसरा विधि, थर्ड मेथड कल आएगा। अब इसका हम फोर्थ मेथड भी हम बना सकते हैं। देखो चौथा विधि फोर्थ मेथड क्या कहलाएगा भाई, अब हम डैट के बाद वाले जो सब्जेक्ट है उसको हम शुरू में लाएंगे, द इंटरनेशनल ट्रॉफी, द इंटरनेशनल ट्रॉफी, द इंटरनेशनल ट्रॉफी वाज एक्सपेक्टेड, वाज एक्सपेक्टेड, वाज एक्सपेक्टेड हो गया, डैट के स्थान पर टू आएगा, टू के बाद जैसे लिखा हुआ भी वन मॉडल वर्ब को हटा दिया जाता है टू के बाद, यानी टू वी वॉन बाई द जर्मन्स। ये चार विधि इसका पैसिव बनता है, चारों विधि आप लिख लेंगे आराम से, अब आंसर मिलाएंगे कौन सा इसका आंसर होगा, कौन सा आंसर इसका होगा ये मिला लेंगे हम लोग। सुभाष कुमार चेला इसको बना लो, भूषण कुमार ये डबल सेंटेंस का एक्टिव पैसिव मेंस में खूब पूछा जाता है, खूब मेंस में आता है, चारों विधि आता है, तो क्वेश्चन जो था वो मिटा दिया। अब देखिए ऑप्शन, आपको पहला ऑप्शन मिल रहा होगा ये विकल्प, ये पहला ऑप्शन मिल रहा होगा, जल्दी से जल्दी फटाफट करो। रजनीश चलिए नेक्स्ट बढ़े आगे। अगला चलो आगे, सुभाष कुमार को भी पता भी नहीं था हम कितने बजे से लाइव आते हैं, सोचो यार, दुनिया तो चांद पर पहुंच गया, तुम कहां भी हो, मंगल पर जाने की तैयारी हो रहा, तुम अभी नीचे ही है। बढ़े आगे, सोचो यार इसको समझाओ पहले, दुनिया कहां से कहां बढ़ रहा। चलिए आगे, चलिए बढ़े आगे, प्रभाकर कुमार जी हाँ, चलिए ध्यान देते हैं। द जर्मन्स वर एक्सपेक्टेड टू विन द इंटरनेशनल ट्रॉफी, तो ऐसे सेंटेंस का हम ये भी पैसिव ऑलरेडी बना हुआ है, ये भी पैसिव बना हुआ है, ये भी पैसिव बना हुआ है, यानी 53 का आंसर एक भी सही है और बी भी सही है, लेकिन बी ऑप्शन जो है ना पैसिव का पैसिव बना दिया है, चौथा भी धीम चल गया, इसलिए बी को प्रीफर हम ज्यादा देंगे, बी को प्रीफर क्वेश्चन ज्यादा देगा, बीस का आंसर मारेंगे प्रीफर, क्योंकि पैसिव ये भी बना हुआ, अब क्वेश्चन भी पैसिव था, अब बी ऑप्शन भी पैसिव है, तो पैसिव का पैसिव का पैसिव यानी बी फॉर्म लगा दिया, सब पैसिव है, वाज एक्सपेक्टेड है टू बी बॉन लगा दिया, चौथा विधि में चला आया, ये आपका पहला विधि में मिल जाएगा आपको, ये आपको चौथा विधि में मिलेगा, ये आपका दूसरा विधि में मिलेगा, फिर सब पैसिव बना हुआ था। सोचो इतना टफ क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में,
चले आ गए. नेक्स्ट, द गेस्ट हैव ईटन देयर फूड. द गेस्ट हैव ईटन, हैव ईटन लिखा हुआ, इसका मतलब कन्फर्म है कि हैव बीन होना चाहिए या हैज बीन होना चाहिए. नहीं तो ऑप्शन सबसे आसान है भाई, चौवन का एक होगा, आसान है तो इसमें रुकना बेकार है. चले 46 नंबर लास्ट. 55, आई हैव बाउट, आई हैव है तो क्या लिखेंगे, हैव बीन लगाएंगे, हैव बीन या हैज बीन. यानी ऑप्शन हमारा तीन आएगा, हैव बीन या हैज बीन, सी ऑप्शन होगा. चलो अच्छी बात है. नेक्स्ट नेक्स्ट लगता है नरेशन आ रहा है, इसको भी बनाएंगे आराम से बनेगा. देखो यार, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही फायदा तुम्हें मिलेगा. चाहे प्रैक्टिस हमसे करो या किसी और से करो या खुद से करो, फायदा तुम्हें ही मिलेगा. एग्जाम में उतना ही आप एक्सपीरियंस होंगे, जितना दौड़ लगाओगे जितना चक्कर लगाओगे तुमको उतना ही लाभ होगा. शेफनील्स फादर आस्क्ड हिम, हैव यू पास्ड द. देखो नरेशन बनाना तो रिपोर्टेड स्पीच को देखना है. हैव लगा हुआ तो हैड ढूंढो हमें, सिंपल, हैड प्लस V3, ऑप्शन चाटते जाओ. सही नहीं, ऑप्शन बी गलत है. ऑप्शन देखना है सी नंबर में, कंजक्शन नहीं लगाया है, सी गलत है. डी ऑप्शन में, यहाँ डिड लगाया, कंजक्शन नहीं. यानी आंसर आपका एक होगा. गुड, आंसर एक होगा. गुरिया कुमारी एप्लीकेशन पर आए, जल्दी आएगा, अभी उसका प्रिपरेशन चल रहा है एप्लीकेशन का. आते ही आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, बता दिया जाएगा. फिर जब तक जो सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कर लो. जब भी हम लाइव आएंगे तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा. चलिए विनीत, वाई आर यू साउंडिंग टुडे. यहाँ लिखा हो टुडे, तो टुडे तो डेड डे नहीं आएगा, टुडे तो डेड डे आएगा. तो ऑप्शन ढूंढिए, डेड डे, डेड डे, ये तो आएगा नहीं. सी और डी आई सी खत्म हो गया. अब ऑप्शन जो बचा एक और दो देखिए आप. बी ऑप्शन एजीएमआर है तो वाजवेयर नहीं होगा. ऑप्शन बी में वाजवेयर लिखा हुआ, लेकिन ये ऑप्शन तो डिड लगा दिया, तो बी नहीं आएगा. ये सब जितना फास्ट आप बनाइए उतना बेहतर होगा. नेक्स्ट, जल्दी जितना फास्ट आप जवाब दीजिए वो आपके लिए उतना बेहतर होगा. चले आगे. सानिया, वेयर हैव यू बीन ऑल दिस डेज. वेयर हैव यू बीन, हैव यू बीन है तो हैड होना चाहिए, हैड बीन होना चाहिए. हैड बीन होने के लिए ऑप्शन हमारे पास एक दिख रहा होगा, बी गलत है. सी ऑप्शन हैड से बिन लगा दिया, डी ऑप्शन तो देख ही नहीं रहा, तो हम करें क्या इसमें. तो सानिया, द प्रिंसिपल आस्क्ड सानिया वेयर से, ऐसे भी डी नहीं होता. जब हमारे पास आंसर एक सही बिल्कुल हो रहा था, डी ऐसे भी नहीं होता, हालांकि ऑप्शन दिख नहीं रहा. आंसर मिला रहे ना, आप लोग के पास फुल क्वेश्चन होगा. चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए जल्दी से अगला, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन. अस्मिता कुमारी 59, भूषण कुमार, प्रभाकर, गुरिया 59, हैव यू कंप्लीटेड योर असाइनमेंट. जो भी विद्यार्थी स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए समझो रामबाण है, रामबाण. मुफ्त में सारा सेट हम सॉल्यूशन करा दूंगा. बोलिए 59 59 का क्या है, हैव यू कंप्लीटेड. तो हैव यू है तो हैड ना होगा यार, तो हैड ऑप्शन ए नहीं, हैव लगा दिया. बी ऑप्शन में हैड है, सी ऑप्शन में हैड है, और डी ऑप्शन में हैड नहीं है. तो हमारे पास बी और सी बच गया, तो बी और सी को ध्यान दीजिए. तो बी में सेट टू लगा दिया, जबकि सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव है. जब सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो सेट टू नहीं आस्क नहीं आएगा, ऑप्शन सी होगा. चलो गुड, अगला 60 नंबर. He says I go to gym every morning.
आई गो टू जिम एवरी मॉर्निंग ही से, ये देख लो सिंपल प्रेजेंट टेंस है भाई, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस से तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी आंसर आपका एक आएगा, ही से दैट ही गोज टू जिम एवरी मॉर्निंग। चलिए देखिए, वीर शिरोमणि सर क्या आज से पढ़कर 90% ला सकते हैं 12th पीसीएम सीबीएसई बोर्ड? वो तो आप पर निर्भर है भाई कि आप किस तरह से एग्जाम को हैंडल करते हो। चलिए आगे, गरिमा 61 नंबर, 61 नंबर गरिमा सेड भाई डिड नॉट है तो हैड नॉट आएगा। हैड नॉट ढूंढिए, हैड नॉट यहाँ दिख रहा है, हैड नॉट यहाँ दिख रहा है, यहाँ डिड हो नहीं सकता है, डिड हो नहीं सकता है। अब हमारे पास एक और दो रास्ता है, तो वाई हैड ही, जब डब्ल्यू एस सेंटेंस के पहले कोई सेंटेंस आ जाए तो वाक असर्टिव होता है, यानी हैडंट ही नहीं बल्कि ही हैडंट होते हैं, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर आएगा। ये सब बात को ध्यान देना, ऑनलाइन भी आप एग्जाम देंगे तो इसी तरह से आपको मिलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड अनीता वांट्स टू टेक अप, अनीता वांट्स टू टेक, तो वांट्स लिखा हो तो वांटेड होना अनिवार्य है, तो ढूंढो वांटेड यहां है, यहां वांट्स है, इसका मतलब ये गलत है, यहां वांटेड है, सही है भाई। और देख लो क्या है, चलो अब हमारे पास कंफर्म है कि बी ऑप्शन गलत है, ठीक है, बी ऑप्शन गलत है। जब बी गलत है तो बाकी ऑप्शन जो विकल्प हमारे पास उसका चयन करेंगे। ऑप्शन एक देखते हैं, ही सेड, ही सेड और कुछ छापने का नियम, हर ब्रदर वांट्स, पीछे भी वांट्स लिखा हुआ है तो पीछे भी वांटेड होना अनिवार्य है, यानी ऑप्शन हम बोल सकते हैं बी तो गलत ही हो गया। सी नंबर भी इसलिए गलत है कि आप देखिए सी नंबर में पीछे वांट्स लगाया है ना, इसलिए गलत है। अब हमारे पास दो रास्ता बच रहा है भाई, या तो आंसर एक होगा या तो आंसर डी होगा। अब दोनों ऑप्शन को मिलाइए, ही सेड दैट अनीता वांटेड, देखो अनीता डैट द, ये तो अलर बलर लिख दिया भाई, डबल कंजक्शन लगा दिया है ना, तो ही सेड दैट अनीता वांटेड टू टेक अप ए जॉब व्हाइल हर ब्रदर वांटेड हर टू टेक आफ्टर द फैमिली, एक राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट बड़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा कि मेघना डू यू वांट, तो डू यू वांट है भाई, जब डू यू वांट है तो स्पष्ट हम बोलेंगे इसको इस तरह से यूज करेंगे, डू यू वांट, तो वांटेड होना अनिवार्य है। He told Meghna if she wanted होना अनिवार्य है, wanted want नहीं होगा, wants नहीं होगा, wanted होना अनिवार्य है। यानी हमारे पास ऑप्शन एक और चार है, तो ये नंबर इसलिए नहीं कि told है, क्योंकि सेंटेंस यहाँ इंटरोगेटिव है, यहाँ गलती हो गया, यहाँ सेंटेंस इंटरोगेटिव है, इसलिए do you लिखा हुआ तो told नहीं बल्कि asked होगा। क्लियर, चलिए आगे, बिल्कुल कृष्णा राज, बिल्कुल 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 सही आंसर आप लोग का। रितिक गुप्ता, बिल्कुल बिल्कुल गदा गद है आज तुम लोग, ग्रामर भाई 8 से 9 चलता है मॉर्निंग, ग्रामर भाई 8 से 9 चलता है ना। चलिए इसमें इस क्वेश्चन 64 नंबर, गुरिया अमीषा स्मिता सब बनाइए जल्दी, 64
I said to my friend, can you borrow your laptop for one day? Can you? तो confirm है कि can का could होना चाहिए. Option ढूंढेंगे. A option, B option, C और D खत्म. अब एक और दो में ध्यान देंगे. I asked my friend if could borrow. यहाँ subject को ही मिटा दिया. देख लो ना, subject है ही नहीं, जबकि यहाँ subject आई होना चाहिए. ऑप्शन एक. गुड, आप लोग का सही है. सही जवाब आप लोग का भाई वीर सेरेमनी. गाइड कीजिए कि गवर्नमेंट जॉब वीर सेरेमनी, तुम आराम से पहले ट्वेल्थ का एग्जाम दो, अच्छे नंबर लाओ, फिर ऑल इन वन ज्वाइन करो. पहले ट्वेल्थ का एग्जाम पर ध्यान दो, आगे की बात छोड़कर पहले प्रेजेंट की तुम बात करो कि ट्वेल्थ का एग्जाम तुम्हारा अच्छा हो और अच्छे अंक हासिल करो. यही हम कामना करेंगे आपसे वीर सेरेमनी, यही हम कामना करेंगे कि आपकी स्कोर अच्छा हो, अच्छे नंबर से पास करो. फिलहाल ट्वेल्थ पर ध्यान दो, फिर बाद में हम मेरे क्लास पर आके मिल लेना. He said, let Deepak come with us. Mother, I shall take care. यहाँ देखो shall take care लिखा होने तो should होना चाहिए. और ये ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया, ये ऑप्शन गलती हो गया. बी ऑप्शन में आप देखिए तो would लिखा हुआ है, सी ऑप्शन देखिए तो वुड लिखा हुआ, डी ऑप्शन में भी वुड लिखा हुआ. इसका मतलब बी सी डी हो सकता है. बाकी विकल्प को देखिए, डी ऑप्शन इसलिए नहीं हुआ कि टेल और ऑब्जेक्ट के बीच में कभी टू नहीं आता है. टेल और ऑब्जेक्ट के बीच में कभी टू नहीं आता, इसलिए ऑप्शन डी नहीं होगा. अब जो बचा उस पर हम ध्यान देते हैं. ऑप्शन बी और सी पर ध्यान दीजिए. ही इनफॉर्म हिज मदर, he told his mother to let Deepak come with them as he would take care of him. या मिसप्रिंटिंग हुआ, केयर होगा. अब बात है ना कि दो ही डिफरेंट है, एक इनफॉर्म है एक टोल्ड है ना. He said let Deepak come with us mother, यानी दीपक हम अपने साथ लेकर जाना चाहता है. I shall take care of him. मैं उसका ख्याल रखूंगा, मैं उसका ख्याल रखूंगा. इसका मतलब उन्होंने उसके माँ को उन्होंने अपने माँ को इन्फॉर्म किया या फिर उसने उसके माँ से कहा. बोलिए क्या आंसर बनाएंगे आप. उसने उससे माँ कैसे कहा या उस माँ को सूचना दिया. नहीं भाई, उसे कहा, बताया कि भाई हम इसके अपने साथ ले जाना चाहता हूँ. इन्फॉर्म थोड़ी को देगा सूचना, टोल्ड होगा. बी राइट आंसर होगा. बी राइट आंसर आएगा. चलिए अगला, तो बी नहीं सी होगा, गलती. मिश्रा भारती, ध्यान देना थोड़ा सा. He said let Deepak come with us mother, I shall take care ऑफ हिम. करेक्ट, मैं उसका ख्याल रखूंगा, मैं उसका ख्याल रखूंगा. इसका मतलब उसने उसके माँ को जाकर बताया, बताया कहा. तब तो कंफर्म है कि यहाँ रिक्वेस्ट नहीं आएगा भाई, इनफॉर्म ही होगा. हालांकि बी ऑप्शन हम बोल ही रहे कि बी ऑप्शन होगा. जब बी ऑप्शन होगा तो ऑप्शन बी बनाइए, इनफॉर्म ही होगा. बी ऑप्शन होगा, सी नहीं आएगा. सी गलती से बोल दिया. He informed his mother to let Deepak come with. चले ध्यान देंगे. गुरिया कुमार या बाकी जो भी बी आंसर मारे हैं, बिल्कुल सही है. बी ही आंसर होगा आप लोग का, सी नहीं होगा. बी आंसर होगा, बी होगा. उसने अपने मार्ग से जाके कहा, बताया, टोल्ड नहीं आएगा, बी आएगा. क्योंकि टेल जो होता है ना ऑर्डर का सेंस देता, टेल जो होता है ऑर्डर का सेंस देता, आदेश देने की भावना होता है. चलिए आगे, ये तो काफी लंबा है. आप लोग को दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, हमें तो पता नहीं चल रहा है. दिख रहा है, कुछ पता चलता है, देखो तो. क्या ये सब कुछ पता चलता है मोबाइल में आप लोग का?
बोलिए काफी ज्यादा हो जाता है। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं फिर आपसे। अगले क्लास में जो जो विद्यार्थी नए आज जुड़े हैं उसे मेरे चैनल यानी ऑल इन वन इंग्लिश क्लासेस में उसे मोस्ट वेलकम है। और जो अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों वो अब सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी हम अपलोड कोई वीडियो करें तो आपको मेरा वीडियो सबसे पहले आपको पहुँचे। तो अगले बार हम ये प्लानिंग बनाएं कि जो भी डाउट्स क्वेश्चन है जैसे सामेनी का, हु का, बीइंग का, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक है जो आधे आधे घंटे का वीडियो अपलोड कर करके आप लोग को हम सेंड करते रहें। तो जो अब तक अपलोड नहीं मतलब जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करें, और जितना से ज़्यादा हो सके अपना ही चैनल है उसे आप शेयर करें। ऑल इन वन इंग्लिश क्लासेस से मेरा नहीं बल्कि ये आपका अपना चैनल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास अगले क्लास में नए सेट के साथ। मिलते हैं अगले क्लास नए सेट नए उम्मीद के साथ। टेक केयर, गुड नाइट।